9,999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान सदर प्रखंड के बरहन पंचायत से बीडीसी उम्मीदवार रेहाना खातून ने सिवान सदर वीडियो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेहाना खातून ने सिवान सदर वीडियो पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मिलीभगत से आरती देवी को सिवान के बरहन पंचायत से बीडीसी बना दिया गया, जबकि रेहाना खातून की जीत हुई है। रेहाना खातून ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरती देवी के पति देवनाथ सिंह चौहान सिवान सदर प्रखंड में कार्यरत है और उन्हीं की मिली भगत से वीडियो ने उनकी पत्नी को जीत दिला दिया गया। पुत्र हम गोल बनी हुआ ठीक बानी तो बैठनी अंदर बैठने तो कहल लो जे है परसाई अथी ठेपा दो हम कम्युनिकेशन ठेपा दिए तो जीतल बड़ू ओकर कागज देवे के बा तो ठेपा दे ले नहीं ओकरा बाद से कागज दू गो डिब्बे में डाल दहन लो आ डाल के एक सामान पर धो दहन लो ओकरा बाद हम कह नहीं जरा डिब्बे के नीचा ऊपर कह दिलो तो झूठो के हिला दहन लो आ हिला के सियान लड़की दू गो रही से ओकर के बोला के एगो लड़की से आ निकलवा दहन लो आ निकला के कह दिल जा तू हार गलू ब्लॉक में ठीक ब्लॉक में पहले ही से मिली भगत सब कोई हार हुई है मानती है ना। शुभ नाम बताइए अपना। रेहाना खातून। मामला है कि मुखिया जी का वोट मिला है ए बी एम में 3724 टोटल पंचायत का, बी डी सी का है 3723। एक वोट का अंतराल है, वही वोट हम लोगों को खोजना है कि एक वोट उग गया कहाँ। अगर तीनों प्रत्याशी में जहाँ वो एक वोट जुटता है वहाँ बी डी ओ से हम जोड़ दें या दिखा दें काउंटिंग में कि एक वोट इनका है। मैटर यही है कि बी डी ओ साहब बोले हैं कि एक वोट अंतराल होता है, लेकिन एक वोट कोई नहीं देता है तो नियमावली में ये नियम है कि वो लिख करके देगा कि तीनों प्रत्याशी में कोई प्रत्याशी हमको पसंद नहीं है इसलिए मैं वोट नहीं दूंगा। तो वो भी वीडियो से हम दिखा दें कि कौन ऐसा व्यक्ति है बरहन पंचायत में कि लिख करके दिया है कि हम वोट तीनों प्रत्याशी को नहीं देंगे। तो एक वोट हुआ क्या मामला है। हम लोग गिनती में गए, चुनाव हो गया, हम लोग प्रत्याशी हैं, रियाना खातून है, उनका पति हैं हम। चुनाव में गए, चुनाव में गिनती हुआ, गिनती में हम लोग तीनों पार्टी थे, क्या नाम है उसका, आरती देवी और शकुंतला देवी और रेहाना खातून, तीनों आदमी के आदमी वहाँ बैठ काउंटिंग में थे। हम लोग काउंटिंग किए और तीनों आदमी बैठ करके उसको जोड़े, जोड़ करके श्रीनाथ और वो दोनों आदमी थे, जयराम नाम का एक आदमी था, वो बोला कि भाई आपका जीत हो गया। श्रीनाथ भी बोला कि आपका जीत हो गया, हम लोग जा रहे हैं घर, आप जाइए अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं, दूसरा काउंटिंग चालू हो गया। जब गेट में वहाँ गए हैं तो पुलिस वाले बोला कि क्या बात है, हमने कहा हम लोग को सर्टिफिकेट लेना है। तो वो लोग बोला ठीक, प्रत्याशी को बुलाइए उसको दिया जाएगा। प्रत्याशी को हम लोग बुलाए, प्रत्याशी को लेकर के अंदर गए, अंदर गए तो बोला ठीक है अभी कलेक्शन नहीं हुआ है वोट का, अभी आप लोग बैठिए, हो जाता है तो हम लोग बताते हैं। तो हम लोग बैठ गए, ये बैठ गई अंदर, इसको बैठा लिया, हम लोग को बाहर कर दिया, वो लोग हम लोग को बाहर कर दिया, सिर्फ इसको बैठा दिया रेहाना खातून को। एक मिनट, उसके बाद में जब हम बाहर में हम लोग आए तब तो अनाउंस कर रहे हैं वो लोग कि दोनों आदमी का, आरती देवी का और रेहाना खातून का 1390 वोट है, दोनों बराबर बराबर है। हम लोग फिर गए उसके बाद उसके पास कि भाई कैसे हो गया, हम लोग तो जीते हुए थे, हम लोग काउंटिंग में कलेक्शन किए हैं तो जीते हुए हैं। उसके बाद वो लोग बोलता है नहीं नहीं आप लोग ड्रॉ हो गया है, इसमें कुछ नहीं कहना है। तो हम लोग बोले ठीक है नहीं कहना है तो रिकाउंटिंग कराइए। तो बोले कि अप्लीकेशन लिख करके ले जाइए। अप्लीकेशन लिख करके हम लोग जब ले गए हैं तो वो लोग अप्लीकेशन देखा और देख करके उसको फाड़ कर बिक दिया। बोलता है नहीं रिकाउंटिंग नहीं होता है, बराबर बराबर होता है तो रिकाउंटिंग नहीं होता, सिक्का उछाला जाता है, टॉस खिलाया जाता है। हम लोग ठीक है हम वहीं पर थे, उसके बाद में हम लोग को निकलवा दिया सब बाहर। टॉस खिलाया गया कि नहीं आप लोग? टॉस नहीं खिलाया गया, ऐसे ही पता है। हाँ सुनिए हम बताते हैं। उसके बाद में हम वहाँ से बाहर निकल गए, बाहर हम लोग को निकाल दिया और प्रत्याशी को सिर बैठा दिया, इसको बैठा करके अब इससे पूछिए इसके साथ कैसे कैसे हुआ। इसकी शिकायत अपने बड़े अधिकारी से की है कि नहीं? हाँ बड़े अधिकारी के पास अप्लीकेशन वगैरह दिए हैं, डीएम साहब के पास दिए हैं, बीडीओ साहब के पास दिए हैं, बीडीओ साहब से जाकर के मिले हैं, बीडीओ साहब से हम बोले हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, कोई बड़ा अधिकारी नहीं रहेगा, आप लॉटरी खिला दीजिएगा और जीत घोषित कर दीजिएगा। अब तो इसमें क्या करना है, निष्पक्ष कराए हैं हम, निष्पक्ष कराए हैं, हमारा एक वोट इसमें कम हो रहा है,
हमारा वोट ज्यादा था, इसको रिकाउंटिंग के लिए हम एप्लीकेशन दिए थे तो आप उसको फाड़ कर बिक दिए। अभी बोल रहे हैं कि एक वोट का अंतर है, एक वोट तो कहीं जोड़ देंगे। हम बोला किसी का वोट किसी को भी जोड़ दीजिएगा तो बोलते हैं कि इसमें क्या करना है, आपका कैसे है, हमने मेरा है चाहे किसी का है, जोड़ करके एक वोट दिखाइए वो कहाँ जुड़ता है। अब आप मुखिया का एक मिनट, मुखिया का है 3724 वोट, तो मेरा भी 3724 वोट होना चाहिए बीडीसी का, मेरा एक वोट उसमें कम हो गया, 3723 है और उनका है मुखिया का है 3724। तब टोटल जब उससे प्रश्न किए बीडीओ साहब से तो बीडीओ साहब कह रहे ऐसा कोई बात नहीं है, एक वोट का इधर उधर चलता है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।